ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से हुई? इसके लिए कई सारे थ्योरीज हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी, रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी एंड इवोल्यूशन थ्योरी। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो ट्रेडिशनल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कास्ट सिस्टम इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि कास्ट सिस्टम की ओरिजिन डिवाइन है, देवताओं से है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम का एक्सटेंशन ही कास्ट सिस्टम है, ये ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग है। वर्ण ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। वर्ण की ओरिजिन मानी जाती है ब्रह्मा से। और ब्राह्मिन्स कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा के हेड से। ब्राह्मिन्स की ओरिजिन मानी जाती है ब्रह्मा के हेड से। क्षत्रिय की ओरिजिन मानी जाती है ब्रह्मा की आर्म्स। वैष्णव फ्रॉम थाई एंड शूद्र फ्रॉम द फिट। तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि कास्ट की ओरिजिन कैसे हुई। तो ब्रह्मा से मानी जाती है, ब्रह्मा के हेड से हुए आए ब्राह्मण, क्षत्रिय आए आर्म से, वैश्य आए थाई से, और शूद्र आए ब्रह्मा के फीट से, पैर से। नेक्स्ट है रेशियल थ्योरी। डीएनए मजुमदार राइट इन हिज बुक, डीएनए मजुमदार ने एक बुक लिखी जिसमें कहा था रेसिस एंड, जिस बुक का नाम है रेसिस एंड कल्चर इन इंडिया। द कास्ट सिस्टम टुक इट्स बर्थ आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया। डी एन मजुमदार ने जो किताब लिखी उसका नाम रेसिस इन कल्चर इन इंडिया, उनके हिसाब से कास्ट सिस्टम की ओरिजिन हुई कहाँ से? जब आर्यंस आए इंडिया में। ऋग्वेदिक लिटरेचर स्ट्रेस वेरी सिग्निफिकेंटली द डिफरेंस बिटवीन द आर्यन एंड नॉन आर्यन ऑन द बेसिस ऑफ आर्यन और नॉन आर्यन का जो डिफरेंसेस था, जैसे कॉम्प्लेक्शन, स्पीच, रिलीजियस प्रैक्टिस, ये आर्यंस की अलग थी नॉन आर्यंस से। वर्ण सिस्टम प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ एंड ऑक्यूपेशन, जैसे जिसका जैसे काम ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। तो ये जो रेशियल थ्योरी है ये कहा गया जब आर्यन आए, जब इसकी ओरिजिन हुई आर्यंस और नॉन आर्यंस अलग अलग किए गए, किस बेस पे? कॉम्प्लेक्शन, स्पीच एंड ट्रेडिशनल या रिलीजियस प्रैक्टिस के बेस पे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। कास्ट सिस्टम इज ए क्लेवर डिवाइस। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि कास्ट सिस्टम जो है ये एक इन्वेंटेड की ब्राह्मण ने, क्योंकि उन्हें ही सबसे ऊंचा प्लेसेस में दिया गया है। इन ऑर्डर टू प्लेस देमसेल्व ऑन द हाईएस्ट लेडर ऑफ द सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की में सारी कास्ट सेट हैं ऊपर से नीचे तक, तो सबसे ऊपर है ब्राह्मण। तो पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि ब्राह्मण ने अपने आप को ऊपर रखने के लिए, सोशल हायरार्की में अपनी पोजीशन को अच्छा रखने के लिए ये कास्ट सिस्टम को लेके आए। तो कास्ट सिस्टम इज ए क्लेवर डिवाइस इन्वेंटेड बाय द ब्राह्मण्स इन ऑर्डर टू प्लेस देमसेल्व ऑन द हाईएस्ट लेडर ऑफ द सोशल हायरार्की, खुद को सोशल हायरार्की की हाईएस्ट सीढ़ी पर रखने के लिए। द थ्री लोअर क्लास क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र ऑर्डर टू लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द ब्राह्मण। और जो चार है ना मेनली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण तो सबसे सुपीरियर हो गए, और नीचे जो भी तीन हैं उन्हें ब्राह्मण्स की बात ही मानी है, तो सबसे फ़ायदा हुआ ब्राह्मण को। तो पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि ब्राह्मण ने ये ऐसा इसलिए कहा कि वो खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते थे, रखना चाहते थे। ब्राह्मण हैड सिक्योर्ड हिम मैनी सोशल प्रिविलेज सेंक्शंस बाय द लॉ गिवर्स। ब्राह्मण्स को बहुत सारे फायदे मिले थे, सोशल प्रिविलेजेस दिए गए थे पहले से ही। ये पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ कास्ट की है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू नेसफील्ड फंक्शंस एंड फंक्शन अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। नेसफील्ड के हिसाब से जो भी हम काम करते, जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है, उसी हिसाब से हमारी कास्ट डिवाइड हो गई या डिसाइड हो गई। दोज प्रोफेशंस विच वर रिगार्डेड एज बेटर, जो प्रोफेशन बेटर कहा जाता था एंड रेस्पेक्टेबल मेड देम सुपीरियर, जो प्रोफेशन को माना जाता कि हाँ ये रेस्पेक्टेबल है तो वो कास्ट सुपीरियर हो गई। टू दोज हु वर इंगेज इन डर्टी प्रोफेशंस, मतलब जो लोग जिस काम में लगे थे काम के बेस पर ही उनका डिवीजन हो गया। तो कुछ काम को लोगों को अच्छा मानते थे, जैसे कि शिक्षा देना ये अच्छा काम है, और दूसरे के घरों में सफाई करना ये सब करना ये उसे इन्फीरियर मानते थे, तो उसी हिसाब से उनकी वैल्यू सेट हो गई। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी कास्ट की ओरिजिन मानी जाती है। दोज प्रोफेशंस विच वर रिगार्डेड एज बेटर एंड रेस्पेक्टेबल मेड देम सुपीरियर टू दोज हु वर इंगेज्ड इन डर्टी प्रोफेशंस।
नेक्स्ट इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ कास्ट. द कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑल ऑफ ए सडन. कास्ट सिस्टम की ओरिजिन एकदम अचानक से नहीं हुई, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन. सोशल इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन. मतलब इवोल्यूशन हुआ एकदम, इवोल्यूशन तो होता ही है, चेंज तो आते हैं धीरे धीरे. तो मैनी फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ कास्ट, जैसे कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन. जैसे जो काम कर रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते रहे, तो कास्ट वो एक कास्ट सेट हो गई. जैसे कि कुम्हार वो मिट्टी का काम करते थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो करते रहे, तो एक ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन हो गया. फॉरेन इन्वेजन हुआ तो अलग हो गई. रोल रूरल सोशल स्ट्रक्चर तो कास्ट अलग हो गई. बिलीफ इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा कि किस जाति में जन्म लिया है तुम उसी को उसी के काम को करोगे. तो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है कास्ट सिस्टम में, ये इन सब इसे अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस तो हुए हैं.